उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखिए अखिलेश यादव का जादू चल गया है, यानी सपा या इंडिया गठबंधन का मैं कहूं जादू चल गया है, रुझान में पलट गया है चुनाव। अगर मैं आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखाती हूं, आप यहां पर देखेंगे समाजवादी पार्टी के आगे कितनी, 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, और देखिए कोई 2000-4000 वोटों से नहीं, भारी मार्जिन से आगे चल रही है। मैं आपको दिखा देती हूं और एक एक सीट पढ़ के बता देती हूं। देखिए सबसे पहले मुजफ्फरनगर, इनके हरेंद्र, और कितने से मार्जिन देखिए, 13000 लगभग। फिर आप अगर देखेंगे मुरादाबाद, रुचि वीरा यहाँ पर 10000। फिर आप देख लीजिए रामपुर, यहाँ पर मोहिबुल्ला जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, 42000 से आगे। फिर अगर आप इधर देखते हैं संबल में भी जियाउर रहमान आगे चल रहे हैं। फिर ये देखिए फिरोजाबाद से अक्षय यादव, जो कि चचेरे भाई हैं किसके, अखिलेश यादव के, वो भी आगे चल रहे हैं 36000 वोटों से। फिर अगर आप इधर आ जाते हैं मैनपुरी पे, तो डिम्पल यादव आगे चल रही है 53000 वोटों से। बहुत बड़ा मार्जिन है, ये शुरुआती रुझान है, मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन 11:15 के। और देखिए जितनी भी सीटें अगर आप देखेंगे, आर्या खेरी, इधर आप देख लीजिए मिशे के, सब पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स 53000, 7000, 4000 इन सब से आगे चल रहे हैं। और 33 सीटें ऐसी हैं जिस पर अखिलेश यादव का जादू यहां पर दिख रहा है। अगर और आगे बढ़ते हैं आप तो देखिए यहां पर सुल्तानपुर देखिए 9000 वोटों से आगे। इधर देखिए प्रतापगढ़, शिवपाल सिंह पटेल कितने वोटों से, 9000। फिर आप यहां पर देखेंगे इटावा में जितेंद्र कुमार 17000 वोटों से। और ये देखेंगे कन्नौज में खुद अखिलेश यादव 44000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए जो 11:15-11:30 का टाइम होता है, अक्सर देखा जाता है कि चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं, लेकिन यहां पर देखिए इंडिया गठबंधन को मैं आपको बता दूं अभी भी आगे चल रही है और कई जगह पर टक्कर दिखाई जा रही है। लेकिन मैं आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बता रही हूँ कि ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं, थोड़ा और पढ़ के बता देती हूँ। जालौर, कौशाम्बी, फूलपुर से अगर आप देखेंगे अमरनाथ जो है 2000 वोटों से अभी आगे पीछे हो सकता है। फिर आप ये देखेंगे कौन सी सीट है, ये अंबेडकर नगर, लालजी वर्मा आगे चल रहे हैं 28000 वोटों से। फिर आप ये देख लीजिए श्रावस्ती में राम शिरोमणि वर्मा यहाँ पर 15000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और एट लास्ट आप देखते हैं संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के हैं 45000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए एक ही बड़ा मामला होता हुआ 33 सीटें ऐसी हैं। और अगर मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंगली चीज़ बताती हूँ, यूपी में स्मृति ईरानी अमेठी से लगभग 31000 वोटों से पीछे चल रही हैं। और आगे कौन चल रहा है, कांग्रेस की किशोरी लाल। देखिए आपको पता है अमेठी रायबरेली पे यूपी में सबकी नज़र है, और वहां पर रायबरेली में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। और यहां पर अमेठी देखिए किशोरी लाल का जब नाम अनाउंस हुआ था तो सब चौंक गए थे, लेकिन उसके बाद अब कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है और 31000 वोटों से पीछे जाना एक बड़ा मार्जिन है, मैं आपको बता दूं। और स्मृति ईरानी अब तक 11:30 बज चुके हैं और स्मृति ईरानी पीछे है, तो देखिए कुछ बड़ा भूचाल होने वाला है। एग्जिट पोल ने तो कहा है 400, लेकिन अब सब ये जितने भी इंडिया गठबंधन वाले हैं वो सब कह रहे हैं कि देखिए एग्जिट पोल पलटने वाले हैं। लेकिन अभी ये शुरुआती जश्न होगा, रिजल्ट्स आने दीजिए, शुरुआती रुझान है, आगे क्या होगा ये तो पता चलेगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी।